दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक किया। बैठक में मंडल आयुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO इंद्रजीत सिंह, SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने COVID-19 के संक्रमण से बचाव, सड़कों के निर्माण, स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाए और बेडों की संख्या में वृद्धि करते हुए कोरोना से बचाव की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के साथ ही जन जागरूकता लाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ने निर्देश दिए कि BRD मेडिकल कॉलेज के बाल संस्थान में कोविड अस्पताल शीघ्र तैयार किया जाए। इसी प्रकार पुरानी सुपर स्पेशलिटी के भवन में ऑक्सीजन प्लांट एक्टिवेट कराकर 50 और बेडों की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्राइवेट चिकित्सालय में इलाज के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क ना लिया जाए और यदि इसका उल्लंघन पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि डोर टू डोर और सर्वे कराकर अधिक से अधिक लोगों को चिन्हित करते हुए प्रतिदिन कम से कम 4,000 कोरोना टेस्टिंग की जाए तथा जिन क्षेत्रों में ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या मिल रही है वहाँ घर घर जाँच कराई जाए और अधिक से अधिक कंटेनमेंट ट्रेसिंग भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार निर्धारित समयानुसार खुले एवं बंद हों, आम जन में 2 गज की दूरी, मास्क लगाने आदि का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि शहर में जल जमाव की स्थिति न हो इसलिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। जल जमाव वाले क्षेत्रों का सर्वे कराकर 1 सप्ताह के अंदर कार्य योजना तैयार कर उसका प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश GDA एवं नगर निगम को दिए। मुख्यमंत्री ने ढीले एवं जर्जर तार को ठीक करने, बांस बल्ली के सहारे लगे विद्युत केबल को हटाने हेतु कार्य योजना तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री अभियंता विद्युत को देते हुए कहा कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत बेहतर ढंग से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने मोहद्दीपुर से जंगल कोड़िया एवं नौसड़ से बागागाड़ा गोरखपुर वाराणसी मार्ग, गोरखपुर देवरिया मार्ग के निर्माण की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक के संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मंडल आयुक्त जयंत नालिकर ने बताया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज COVID-19 का जो संक्रमण है वो उसके साथ साथ जो आपका इंसेफ्लाइटिस बीमारी से जो बचाव के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उनका सबसे पहले रिव्यू किया है, उनकी समीक्षा की है और उसके बाद कुछ विकास की जो हमारी इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं उनकी भी समीक्षा की गई है और जो हमारा डेथ रेट है गोरखपुर में उसको कम करने के लिए अतिशीघ्र अगले 7 दिन में BRD में जो हमारी फैसिलिटी है उसको 500 बेडेड करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और उसको हम 5 सितंबर तक इसको इनॉग्रेट करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जो और L2 फैसिलिटी बाकी चारों जनपदों में हैं उनको भी, उनके भी बेड बढ़ाने हैं और स्पेशली उनमें वेंटिलेटर और HFNCs को क्रियाशील करना है, जिससे कि जो मृत्यु है स्पेशली एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के पेशेंट आते हैं उनको लौटाना ना पड़े और सारों को हम भर्ती कर सकें और वो स्वास्थ्य लाभ करके जा सकें। इंसेफ्लाइटिस का आंकड़ा हमारा जो विभागीय अंतर विभागीय समन्वय और जो भी निर्देश दिए गए थे उनके अच्छरसा अनुपालन की वजह से पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और उसमें सतत प्रयास किए जाने हैं जब तक कि ये पूरी बीमारी संचल से उन्मूलन ना हो जाए, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जल भराव की समस्या पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त की है और जो कनेक्टिंग नाला है तुर्रा नाले तक जो CNDS का प्रोजेक्ट है उसको 30 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं और एक जल भराव की ऑलरेडी एक स्टडी हुई है GDA द्वारा कराई गई है, उसका 1 वीक में प्रेजेंटेशन करते हुए एक ठोस प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि सारी ड्रेनेज स्टॉर्म वाटर के लिए उसका एक साथ एक प्रोजेक्ट लिया जा सके। इसके साथ साथ विद्युत
को जितने भी ये तार लटक रहे हैं इनको सबको भूमि के अंदर ले जाने के लिए एक प्रोजेक्ट देने को लिए कहा गया है, जिससे कि ये जो भी कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं वो ना हो, स्पेशली वर्षा काल में होते हैं। तो यही विकास की योजनाएं हैं जिसको सर ने निर्देश दिए हैं कि अतिशीघ्र इनको पूर्ण किया जाए। फोर लेन को लेकर क्या है, किस चीज़ को? फोर लेन जो बनना है, फोर लेन सड़क बने, सो बेसिकली हमारी जो मुख्य प्रोजेक्ट हैं, एक तो आपका महाराजगंज वाला है जो असुरन से महाराजगंज जा रहा है, उसको हम लोग नवंबर में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। गोरखपुर देवरिया भी हमें लगता है नवंबर तक पूर्ण हो जाएगा, उसमें कुछ जल निगम का 2-3 किलोमीटर जो MMTU के सामने कार्य चल रहा है उसको, उसके कारण थोड़ा सा व्यवधान हुआ था, लेकिन वो लोग भी बरसात में काम शुरू कर देंगे बरसात के बाद। इसके अलावा जो हमारा मोहद्दीपुर जंगल कोड़िया रास्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको उसका एक फेज़ जो है जो हमारा धर्मशाला बाज़ार से 10 नंबर बोरिंग तक का है वो 15 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, और बाकी प्रोजेक्ट हम दिसंबर तक कर लेंगे। जो हमारा गोरखपुर बनारस का रास्ता है, तो जो गोरखपुर जनपद वाला पोर्शन है वो उसमें 2 लेन पूर्ण जो हैं मार्च तक पूरी हो जाएंगी, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसे अतिशीघ्र करने का दिया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमारा 6 लेन जो नौसड़ वाला है वो सेंक्शन हो गया, उसका कार्य शुरू करने, और कुछ और प्रोजेक्ट सेंक्शन हुए हैं जिनका कार्य अतिशीघ्र करने के निर्देश दिए गए।